लोकसभा चुनाव के चलते हरियाणा का सियासी पारा उफान पर है। हॉट सीट बन चुकी कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन के साझा उम्मीदवार डॉक्टर सुशील गुप्ता आए दिन विपक्षी उम्मीदवारों को बड़े बड़े झटके देते जा रहे हैं। दो दिनों में जहां एक पूर्व सिंचाई मंत्री, नगर परिषद की उपाध्यक्ष, 6 पार्षदों ने भाजपा छोड़ आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है, वहीं 100 से अधिक सरपंचों ने भी डॉक्टर सुशील गुप्ता को खुला समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि हाल ही में हरियाणा सरकार के पूर्व सिंचाई मंत्री नरेंद्र शर्मा आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए थे। वहीं कैथल नगर परिषद की वाइस चेयरपर्सन सीमा वाल्मीकि भी 6 पार्षदों सहित भाजपा का दामन छोड़ आप में शामिल हो चुकी हैं। वहीं गुप्ता को सरपंचों का भी भरपूर साथ मिल रहा है। पिछले कल शाहबाद ब्लॉक के 76 में से 70 सरपंचों और आज सीवन ब्लॉक के 40 सरपंचों ने भी डॉक्टर सुशील गुप्ता को अपना समर्थन दे दिया है। डॉक्टर सुशील गुप्ता ने कहा है कि सरकार ने ई टेंडरिंग लाकर असंवैधानिक तरीके से पंचायतों सरपंचों के अधिकार छीन लिए। गुप्ता ने सरपंचों को विश्वास दिलाया है कि वे सरपंचों को उनका हक दिलाकर रहेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें राज्य सरकार के खिलाफ जाना पड़े या केंद्र के खिलाफ। वहीं मंगलवार को गुहला से जेजेपी के विधायक ईश्वर सिंह के बेटे रणधीर सिंह ने भी इंडिया गठबंधन को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है, जिससे डॉक्टर सुशील गुप्ता को भी अक्षेत्र में भारी बढ़त मिल सकती है। पिछले दिनों हरियाणा दौरे पर रहे आम आदमी पार्टी नेता व सांसद संजय सिंह ने भी कहा है कि कलयुग के इस धर्म युद्ध में पूरा कुरुक्षेत्र हमारा साथ दे रहा है। कुरुक्षेत्र की जनता ने मन बना लिया है, कौरवों की तरह राज करने वाली भाजपा को इस बार हराना है। मैं कभी भाजपा में ना चुनाव लड़ा, ना भाजपा में एक बार वोट जोड़ दी थी गलती से 2014 में। मैं किसी पार्टी में नहीं रहा। चुनाव तो हमने आजादी लड़े हैं, गुप्ता जी को पता, सबको पता है। अब भी चुनाव जात लड़ने का था, गुप्ता जी आगे और बैठ के भी चलो अब तो समर्थन दे। इस देश की परिस्थितियों को देखते हुए, जैसे श्री हमारे माननीय राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा, आज हिंदुस्तान की नौजवानों की, गरीबों की, व्यापारियों की, मजदूरों की एक जरूरत है कि इस देश को पूंजीपतियों से कैसे बचाया जा सके। इसको बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, इंडिया गठबंधन। जैसे संजय सिंह भाई ने डिटेल में आपको बताया कि इस देश के अंदर क्या हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी को राजनीतिक भाषा का, एक जो 150 करोड़ का प्रधानमंत्री है, उसके अंदर जो भाषण के अंदर जो उसकी मर्यादा है, वो प्रधानमंत्री के काबिल नहीं है। दूसरे देशों के अंदर भी हमारा कपास किया जाता है। चुनाव हिंदुस्तान के हो रहे हैं और नाम पाकिस्तान के नाम से वोट मांग रहे हैं। इसके अंदर जैसे हमारे देश का जवान है अग्निवीर, उसको 4 साल के लिए, इन चीज़ों को देखते हुए हमने इंडिया को गठबंधन को और आम पार्टी को ज्वाइन किया। भारतीय जनता पार्टी के बारे में बताना चाहूँगा, एक हमारा साथी था रोके मित्र, उसने अपनी सारी जिंदगी मोदी जी के गीत गा गा के बड़ा हो गया, अपना सब कुछ, घर परिवार बच्चे सब कुछ सड़क पे ला दिए। अब क्यों मना कह दिया सड़क पे आ गए, तू घर चुप से बैठ जा, तेरा बीजेपी कुर्सी देने वाली, दिया उसको, जेल में रखे उसको। मैं तो शुरू से ही निर्दलीय चुनाव लड़ते आ रहा हूँ। आपका नाम जो मंत्री आपका नाम भाजपा के साथ भी जुड़ा रहा है और चर्चा में रहा है। चर्चा में तो रहेगा, हम राजनीति के आदमी चर्चा में तो रहेंगे ना, और किस चीज में रहेंगे। निर्दलीय था मैं, तुम निर्दलीय, निर्दलीय चुनाव लड़ा मैंने, भाजपा के साथ कोई संबंध नहीं है। मैंने बोला था एक बार वोट दिए 2014 में लोकसभा, मंत्री कौन सी उसमें रहे हैं, किसमें, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला सरकार में मंत्री रहे। डर तो नहीं लग रहा है, ये बता दो। सबसे पहले तो मैं आप सबके चैनल के माध्यम से सबको नमस्कार करती हूँ। तो हम सब भारत के पढ़े लिखे नागरिक हैं, संवैधानिक भारत में जी रहे हैं, तो हर व्यक्ति को सबसे पहले मान सम्मान चाहिए होता है, दौलत शोहरत सब बाद में चाहिए होती है।
मेरे को लगा और लगा क्या, आप सबको पता भी है, तो मेरे को मान सम्मान नहीं मिला भाजपा सरकार में। और भाजपा सरकार में हर छोटे से छोटे कार्यकर्ता को और बड़े से बड़े कार्यकर्ता को पता है कि मेरे साथ क्या कुछ हुआ है, लेकिन किसी ने मेरी कोई मदद नहीं करी। तो इस करके और मेरा बिल्कुल मन उतर गया था इस सरकार से, इसलिए मैंने आज चौधरी रणदीप सिंह जी की अध्यक्षता में आज मैं भारतीय गठबंधन पार्टी को ज्वाइन कर दिया। वाइस चेयरमैन मेरे को ऐसे ही नहीं बनाया, मेरे पास 6 MC थे, जिस MC का नाम दिया गया था वाइस चेयरमैन में उसके नाम पे कोई भी राजी नहीं था, इसलिए मेरे को बनाया गया था। तो वो छह एमसी भी साथ है, बिल्कुल साथ में है जी। क्या वो भी गठबंधन को ज्वाइन करेंगे या कर चुके हैं? अब तो 6 की जगह 11 हो गई। लोकसभा सीट पे बिना शर्त समर्थन दिया, पूरा बहुमत के साथ जिताने के लिए मोदी सरकार के खिलाफ, जो मोदी सरकार ने अत्याचार किए हैं, मोदी सरकार ने पंचायत राज एक्ट का उल्लंघन करते हुए सरपंचों की पावर को कम की है, उस लड़ाई को हम साथ मिलकर लड़ेंगे। आज सरपंच एसोसिएशन के प्रदेश सचिव गगनदीप सिंह जी हमारे साथ आए हुए हैं, पूरे हरियाणा के हैं, और लखविंदर सिंह गुराया जी जो ब्लॉक के प्रधान हैं, आज अपने 40 सरपंच लो बस बहुत बताना। साढ़े 700 किसानों ने शहादत दी, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि इतना लंबा आंदोलन छेड़ा हो केवल खेती बचाने के लिए। मणिपुर में महिलाओं के साथ क्या हुआ सारा देश जानता है, निर्वस्त्र घुमाया गया एक साथ, और टेलीविजन पे संसद पे कहीं उसका नाम नहीं लिया जाता। मेंबर पार्लियामेंट होने के नाते मैं संसदीय डेलीगेशन पे के साथ विधायक सरदार बूटा सिंह जी, नरेश डांडे जी, अच्छा घने भाई सारे हमारे कांग्रेस पार्टी के और आम आदमी पार्टी के सबको सम्मानित मंच, सम्मानित बुजुर्गों, माताओं बहनों, नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों सबको हाथ जोड़ के नमस्कार। आज पूरा देश